जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आज जो है थोड़ा हम कुछ हटके पत्रकारिता करते हैं, बीएनडी टाइप पत्रकारिता करेंगे, मतलब बोल्ड और डेयरिंग स्टाइल वाला पत्रकारिता होगा। अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये कदराबाद नाम है इस जगह का। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो पुल है ये कदराबाद पुल है। ये पुल जो है ये कदराबाद मंसूर चक और जो पूरा वो माहौल है उसको बछवाड़ा से मिलाता है। और ये पुल पिछले कई दिनों से काफी जर्जर है, लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कैमरामैन भाई साहब, आप चारों तरफ दिखाइए कि क्या माहौल है। लोग, ढेर सारे लोग पत्रकार हैं। वैसे भी दूसरे चरण में भगवानपुर में चुनाव होने वाला है, और अभी अगर आप ब्लॉक में चले जाइएगा तो जनता से ज्यादा आपको पत्रकार दिख जाएंगे, मगर कोई भी जन समस्या को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जन समस्या क्या है भैया, कि अगर ये पुल खिसक जाता है, अगर ये पुल टूट जाता है, तो फिर इसकी बातें कौन करेगा? इसकी बातें हम करेंगे, क्योंकि जनता हमारी है, दर्शक हमारे हैं, तो इसकी बातें हम ही करेंगे। चलिए आइए, इतना थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, आ जाते हैं पुल के कोना पर, थोड़ा आदमी लोगों को दिक्कत हो रहा है। यहाँ दिखाइए, यहाँ 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 देखिए किस तरीके से जो है ये जर्जर। सालों से इस पुल की ऐसी ही स्थिति है और कोई भी जनप्रतिनिधि संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। हमारे जो माननीय विधायक महोदय हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, श्री श्री 108 सुरेंद्र मेहता जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो है ना, जब धर्मयाटन खत्म हो जाए आपका, तो वैष्णो देवी से जब लौट कर आप आइएगा तो इस जगह जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, इन्होंने आपको वोट दिया था और शायद इनके वोट का छोटा सा योगदान जरूर रहा होगा आपकी सरकार में। चलिए अभी हम दूसरे तरफ घूमेंगे, फिर हम बताएंगे कि भैया ऐसा क्यों है कि हम ब्लॉक में खड़ा नहीं है, किसी मुखिया प्रत्याशी का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं और जनता की बात क्यों कर रहे हैं। जाइए बाबा बगल से, जो स्थिति बनी हुई है इस पे इसलिए बात करना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पोर्टल के लोग हैं, पर कोई भी इसकी बात नहीं करता है। कोई इसकी क्यों बात नहीं करते, क्यों पुल की बात कोई क्यों नहीं करता है? भैया देखिए, ये पुल तो विधायक के अंदर बनेगा, मुखिया के हाथ में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुखिया जी के हाथ में नहीं है? ना, आप मुखिया हैं क्या? जी नहीं, हम तो फिर मुखिया नहीं है, तो मुखिया को डिफेंस काहे कर रहे हैं ना, सबकी जवाबदेही बनती है, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से दोनों तरफ लाल रिबन लगा दिया गया है कि भैया ऐसा है कि यहाँ जो है वो खतरा है, आप इधर मत आइए। मगर फिर भी लोग लाचार हैं, लाचार इस वजह से भी हैं क्योंकि ये रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ता है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है लोगों की इधर से आना और जाना। आप हमको एक चीज बताइए विधायक जी, कि अगर ये पुल ससर जाएगा, अगर कोई लोग की जान माल की क्षति हो जाएगी, तो इसकी जवाबदेही आप लीजिएगा है? नहीं लीजिएगा। अंचलाधिकारी महोदय नेहा कुमारी जी, आपसे भी सवाल है कि अगर ये पुल खिसक जाएगा, इसके अंदर लोग आ जाएंगे या जनता मर जाएगी, गरीब जनता मर जाएगी, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, सोने के लिए कमरा नहीं है, है ना, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, लिखने के लिए कलम नहीं है, वैसा बच्चा वैसी जनता यहाँ अगर इस पुल के खिसक जाने से अपना जान दे दे, उसकी जवाबदेही आप लीजिएगा। तो जब आप जान की जवाबदेही नहीं ले सकते हैं, तो फिर किस अधिकार से आप उस कुर्सी का सीट गर्म कर रहे हैं? तो विधायक जी से मेरी निवेदन है कि अगर वो आएंगे, भैया ये आपका भी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है आपका, क्या नाम है भैया? कहीं घर है आपका? सुनील जी, कोई आदमी आए हैं पत्रकार महोदय या इसको कवर उभर करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आए। बहुत सारा लोग ब्लॉक में खड़ा है मुखिया का कवर करने के लिए। हाँ, सब तो मुखिया के लोग चक्कर में लगे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, सब तो लगे हुए वहीं पे, कोई नहीं आया अभी देखने के लिए क्या हो रहा है। क्या भैया वहाँ पनसोइया मिलता है ना, यहाँ फ्री फंड वाला सिस्टम है, तो ऐसे में कैसे होगा? हाँ सही बात है, वहाँ पैसा मिल रहा है, कोई देखने वाला है नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं गाँव में, सही बात है। पुल खिसक जाएगा तब देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत हो। भैया जी आराम आराम से जाइए, आइए, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से जाइए। मगर जो दिक्कत है उस पर जरूर बात होगी। पीछे देखिए, आज तो थोड़ा पानी घट गया है, दो चार बित्ता हमारे जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हो रही थी, लगातार वो समाज सेवा कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, पर माहौल अभी घटा है। देखिए किस तरीके से पूरा जो भीड़ तो होकर ही उधर जाएंगे और फिर उधर से इधर आएंगे। चौकीदार साहब भी हैं, ये तो बवाल हो गया। देखिए रिपोर्टिंग के दौरान चौकीदार साहब भी मिल गए, चलिए इनसे भी आज बतिया लेते हैं कि थाना का जो चौकसी
तो देख के जाते हैं कि नहीं। चौकीदार साहब कैसे हैं? बोलिए, क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। मुकेश जी, बोले थाना का पेट्रोलिंग जब आता है यहाँ, दरोगा साहब जब आते होंगे गाड़ी पर बैठ के, तो ये सब पानी वानी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। क्या बोल के गए? हाँ, चार चक्का गाड़ी को जाने मत दीजिए, चार चक्का गाड़ी जाना मना है। हाँ, पब्लिक लोग मोटरसाइकिल साइकिल जा सकता है, आ जा सकता है। तो अगर देखिए, मोटरसाइकिल भी जाने वाली स्थिति नहीं है, जाने वाली स्थिति है क्या? नहीं, उतने है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। तो जब मोटरसाइकिल जाने वाली से मजबूरन है, मजबूरी बस लोग जा आ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है, यही ना बात? हाँ, है? हाँ। तो आप यहीं के चौकीदार हैं? नहीं, हम तो थाना से आए हैं। थाना के कौन? भगवानपुर थाना से हैं? बछवाड़ा थाना। बछवाड़ा थाना से? देखिए, ये तो भगवानपुर थाना क्षेत्र पड़ता है क्या? बछवाड़ा ही पड़ता है। चलिए, तब तो एकदम सही है, हम सिपाही जी से मिल रहे हैं। और सब सिपाही जी, सब बात ठीक है, शांति है, कोई तरह की दिक्कत यहाँ नहीं है? कोई तरह की दिक्कत नहीं, नहीं। अभी अभी तक कोई घटना उठा नहीं? नहीं, घटना कुछ नहीं हुआ है, घटना कुछ नहीं। सिर्फ हम चार चक्का तीन चक्का गाड़ी नहीं जाने देते हैं। मतलब मान के चलिए कि टेम्पू, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब बंद, ट्रैक्टर फ्रैक्टर ये सब बंद किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। 24 घंटा ड्यूटी में लगे रहते हैं। चलिए, तो साहब अब जब पेट्रोलिंग में आएंगे तो उनको कहिएगा, एगो चैनल बनाया था, माइक पकड़ के हमसे कुछ पूछ रहा था। मेरे साथ और भी जनता है, मैं सभी लोगों से बात करना चाहूंगा। भैया जी, क्या नाम है भैया आपका? मनोज पद्दार। क्या माहौल है इस पे, कहे ना कुछ आप लोग बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं, सीओ मैडम आए थे, नेहा कुमारी जी। नेहा कुमारी खाली आके चले जाएंगे? ताता तो सबको है, अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे। नेहा कुमारी सुपरविजन करके गया, उसके बाद जैसे सिपाही लोग को ड्यूटी में दिए हैं। सिपाही लोग को ड्यूटी उसके बाद दिए हैं। क्या लगता है, ये सब ढीला ढाला रवैया कभी ठीक होगा या कभी जिंदगी भर हम लोगों को ऐसे झेलना पड़ेगा? ऐसे हम लोग अगर चाहेंगे तो जल्दी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो जैसे झेल रहे हैं वैसे झेलेंगे, जैसे झेल रहे वैसे झेलेंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए, जनता का जो मॉरल है ना सर, वो भी थोड़ा डाउन हो गया है। जी जी जी, इधर इधर ये भी सिपाही जी। हाँ। कि ये जो पुल है ये हाँ। रोड से भी बहुत डाउन है, रोड से भी डाउन, रोड से मेरे ख्याल से 2 हाथ से ज्यादा डाउन है। हाँ। जबकि रोड ऊंचाई रहना चाहिए। हाँ। पुल ऊंचाई रहना चाहिए रोड से। और डाउन क्यों है इन्हें बताइए, ये बनाने भैया, अब तो हम लोग यहाँ डिप्टेशन हुआ तो आए हैं, उससे पहले बनाने के समय आप मत बताइए, अभी हम आपको बताते हैं डाउन क्यों है। ठीक है ना, पुल है बहुत पुराना, ठीक है, आज से 25 बरस पहले ही बना था, आज तक इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है। एगो चूना पोतने वाला कोई नहीं था ये पुल को पिछले 20 साल से। सुनिए, जिस रोड पे खड़ा है ना, ये रोड 3 बार बन गया और पुल को एको बार ढलाई करने वाला जनता नहीं मिला। सुनिए ना, जनता का मांग है कि जितना जल्द से जल्द हो ये पुल का निर्माण हो, है ना। और इतनी संख्या है कि आप भी देखिए कि 150 आदमी चलते रहता है, तो इसमें तो मस्ट है कि पुल नया निर्माण हो, बढ़िया ढंग से बने। और यहाँ भारी वाहन के हम लोग रोकते हैं, भारी वाहन रहे तो क्षतिग्रस्त होगा। हम तो कहते हैं जैसे मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता है, हमको भाई एक आदमी जाओ और बाकी पैदल जाओ, लेकिन माने तब तो वो लोग जो मानना नहीं चाहता है, कहता है कि कोई बात नहीं है। बढ़िया है, जो आप सिपाही हैं आपको तो नेता होना था। नेता नहीं, ये जनता की बात है। और मान लिया जा रहे लोडिंग है बात है, अब ये अब 4-2 क्विंटल का ज्यादा वजन लेके जाएगा, धस जाएगा तो नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर लोग इस पर जा रहे हो और ये पुल नीचे से भसक जाए, 10 गो लोग पानी में डूब के मर जाए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आपका प्रशासन लेगा जिम्मेदारी, बताइए। नहीं, मेरे ऊपर सिपाही पर आएगा कि काहे ने रोके, काहे ऐसा हुआ। हाँ। वो तो हम लोग पर आ ही जाएगा, कहते तो लगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए कि नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ के लोग है कि नहीं जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे है जब जर्जर स्थिति है, कभी भी वो धस सकता है, कभी भी धस सकता है, तो अपना जान देने के लिए तैयार है। पुल पर ऊपर से कूदता है, मना करते भाई ऊपर से क्यों कूद रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आइए आइए भैया जी, आप ही का फेसबुक देखे थे हम, इधर आइए इधर आइए। देखिए, और समाज से भी हमारे बीच है, इन्हीं का तो हम पोस्ट देख के सोचे, इधर आइए। काहे आप डर कह रहे हैं, कैमरा चालू है, ठीक है, हमारा कैमरा बंद नहीं होता है जनता के बीच में। क्या माहौल है, क्यों नेता लोग कोई नहीं आते हैं, इस बात पे आप सफाई दीजिए। यहाँ आइए, बड़ा लाइव आते हैं, क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभात है। हाँ? हम बछवाड़ा से पत्रकारिता करते हैं। ठीक ठीक, पत्रकार महोदय आप एक चीज बताइए, आप जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के बीच में खड़ा रहते हैं, मोबाइल से लाइव कर देते हैं, हम लोग बेगूसराय में रहने वाला आदमी है, वहीं से देख लेते हैं। ऐसा क्या माहौल है कि जनप्रतिनिधि नहीं आता है और पत्रकार को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ता है, क्या कीजिएगा? अच्छा, यहाँ जीत के जाता है, कभी जाते हैं लाइट जलाइए हो,
ऐसे हम कैसे होगा? यहाँ के विधायक जी कभी जाते हैं आपको जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के मंदिर घूमने, तो कभी कहीं जाते हैं, यहाँ जनता क्या हो रहा है, जनता को क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है उनको। फोन जनता कर रहा है जो विधायक जी सोए हुए, कभी भोज में लगल रहते हैं, कभी भात में लगल रहते, ऐसे लगल रहते। यहाँ पुल टूट रहा है, सीओ मैडम अपने एकदम ऑफिस में बैठे रहते, खबर कोई आता पदाधिकारी देखे गए, कोई नहीं आता। अजय नाव पे बैठ के विधायक जी जोर में दियारा क्षेत्र घूम रहे थे, उसमें नहीं बोलना हुआ आपको? हमें कल घूमेंगे, ये विधायक आपके घूम रहे हैं, सीओ साहब आपकी घूम रही थी, क्यों नहीं पता चला आपको? हम बिल्कुल पता चला, क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो उसी को अपना सक्रियता बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं बताइए? बोले क्षेत्र में हम काफी एक्टिव हैं, जनता के बीच में सेवा हो रहा है। क्या जनता इधर 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 आइए सर, इधर आइए। विधायक दिन देखे नहीं कि पुल टूटल छे बचल छे। कौन विधायक जी हमारे? क्या नाम है आपके विधायक जी का? की नाम चनो? सुलंदर मेहता जी। आप अपने विधायक का नाम नहीं? भूल गए, बारी है इसीलिए छे गाँव है। सुलंदर मेहता जी पुल के एको दिन नहीं लखिन देखे ले कि कदराबाद भसल की बचल छे। वोट दिए थे, वोट लेने के लिए, वोट में रोज आते थे घूमने के लिए, प्रतिदिन उनका जो जो भी समर्थक थे सभी आते थे मेरे गांव में वोट लेने के लिए। अभी जीत गए तो हम लोग यहाँ किस स्थिति में है एक बार भी जो है मतलब देखने के लिए नहीं आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई एकदम कलेजा पे हाथ रख के बोलिए, भाजपा को वोट दिए थे आप? बिल्कुल दिए थे। दिए थे जी, हम लोग देखिए दुर्भाग्य हो गया, हम लोग किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, हम लोग के लिए कौन क्या करेगा, हम लोग ये जो है जज करते हैं उसके बाद उनको वोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्या जज कर लिए मेहता जी में जो आप लोग वोट दे दिए? अरे आप तो रियलिटी पता चल रहा, उस समय तो सभी बोलते हैं भाई हम आपको मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट के लिए सपोर्ट करते हैं, यहाँ का जो भी बासी है सबको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। यहाँ के अस्थाई निवासी है ना आप? इस पुल को लेकर आपकी क्या मांग है जिला प्रशासन से? क्या मांग है? हम लोग तो पहले ये स्टूडेंट के बारे में बोलेंगे कि हम लोग का स्कूल पढ़ता है उस पार, काफी स्टूडेंट जो है स्टडी करने के लिए एजुकेशन लेने के लिए पुल के उस पार उनको जाना पड़ता है, बनवारीपुर हो या फिर उस पार में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें काफी छोटे छोटे स्टूडेंट भी है, और जो भी है इस पुल के कारण ये इस पुल का स्थिति इतना जर्जर हो चुका है कि स्टूडेंट को या हम लोग को खुद भी जाने में उस पार काफी जो है मतलब तकलीफ होती है, डर भी लगता है कहीं टूट ना जाए, कहीं मतलब जाए तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा, धंस जाए। पहले मुआवजा तो छोड़िए, हम लोग का जान नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है। तो कुल मिलाकर ये है, हमारे दर्शकों मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि विषय जो है विषयांतर हो गया, इस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, और पिछले 15 दिनों से ऐसी ही स्थिति है, जब से बलान में पानी बढ़ा है तब से पानी पुल को छुए हुए है, और कोई भी सरकारी पदाधिकारी कोई भी प्रशासनिक महकमे के लोग यहाँ देखने को नहीं आए हैं, आम जनता से रूबरू करने नहीं आए हैं। और एक चीज और पत्रकारों के लिए मेरा एक सबसे अनोखा संदेश है, अरे भैया भगवानपुर ब्लॉक में आप जाके मुखिया जाएंगे उनसे बाइट लीजिएगा, बहुत माल आएगा, मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जनता के लिए बने हैं, जनता की मूलभूत समस्याएं जो हैं उन पर आपको आवाज उठाने के लिए ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है आपको, इस चीज को हमेशा याद रखिए, अपनी जवाबदेही को याद रखिए, और हमेशा बोल्ड और डेयरिंग पत्रकारिता करिए। ठीक है, आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ, मैं हूं अमनाथ भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में, नमस्कार।